हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे। तो आज मैं खीरा और चने का दाल की सालन बनाऊंगी। इसको कोई खीरा बोलता है, कोई काकरी बोलता है, बंगाली में इसको सीसा सौसा बोलता है। तो मैंने छील के इसको ऐसे साइज में काट ली हूँ। और ये चने के दाल को मैंने आधे घंटे पहले भिगा ली थी, इसलिए भिगाई थी ताकि जल्दी से गल जाए। तो ये चने के दाल है, खीरा है, कोथमीर बारीक बारीक काट ली हूँ, हरी मिर्च को चीरी लगा ली हूँ, आधी नींबू ले ली हूँ क्योंकि टमाटर आजकल बहुत महंगा है तो हम नहीं खरीद सकते इतना महंगा टमाटर। तो नींबू ले ली हूँ, टमाटर रहता तो भी थोड़ा नींबू डालते हैं टेस्ट के लिए, इससे अच्छा टेस्ट होता है। और मसाला पीसने के लिए हमने लिए हैं लहसुन, और एक खोपरा था थोड़ा कद्दूकस करके, ये खोपरा बचा हुआ था तो इसको मसाले में यूज करने के लिए ले लिए। और एक कोतमीर की डंडी है, डंडी फेंक के नुकसान क्यों करेंगे, तो मसाला में पीस लेंगे। और दो मीडियम साइज की कांदा है और एक लहसुन है, इसको इतने को हम मसाला पीस लेंगे। चने के दाल में थोड़ा मसाला कम डालेंगे क्योंकि ये दाल होती है ना, तो दाल गल के ऐसे ही थोड़ा ये हो जाता है। तो और मसाले में ली हूँ, सूखे मसाले में तीखी मिर्च पाउडर है आधी चम्मच, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर आधी चम्मच, हल्दी अपने हिसाब से, और चाट मसाला ली हूँ, थोड़ी सी चाट मसाला है क्योंकि चाट मसाला मेरे पास नहीं था इसके लिए। और वो क्या बोलते हैं, काली मिर्च पाउडर ले ली हूँ 1/4 चम्मच, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, ये सब सूखे मसाले में है। तभी हम लोग इस खीरा के सालन बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, हम तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए हैं पतीली में। अब उसमें हम थोड़ा सा अखा जीरा डाल देंगे और इसी के अंदर जो हमने मसाला पीसे हैं इस मसाला को डाल देंगे। और जो सूखा मसाला लिए थे जो ये सब पाउडर मसाला, ये सब इसमें डाल देंगे। और इसी में थोड़ा हम मसाला के कटोरी के ढोक पे ये जो थोड़ा ये पानी डाल देंगे और इसको हम अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम अभी मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको अभी हम 10 मिनट पकेगा, अभी हम इसको 10 मिनट पकने देते हैं। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो गया है, मसाला पूरा भून चुका है, तेल छोड़ दिया है, हमें कम तेल डाले थे इसलिए आपको कम तेल दिखता रहेगा। तो ये भून चुका है, बीच बीच में हमने इसको चला लिए थे, नहीं चलाएंगे तो नीचे जल जाएगा। और ढके इसलिए थे कि छीटा उड़ता है, खूब छिटकता है, दीवाल खराब होती है, इसलिए हमने ढक के इसको 10 मिनट पका लिए अच्छे से। और ये देखिए, अब ये हमने चने के दाल को उबाल लिए थे, 2 सीटी लगाए थे, अब आपका कुकर कैसा उसके ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए, ये जो है ना, ये इस तरह से आप देख लेंगे तो ये देखिए पूरा ये गल चुका है। देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, ऐसा होना चाहिए, अक्खा अक्खा रहना चाहिए लेकिन वो अंदर से ऐसे गला हुआ होना चाहिए। देखिए ये देखिए ऐसे गला होना होना चाहिए। तो अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। जब हमने चने के दाल को उबाले थे तो उसमें भी थोड़ा नमक डाले थे, अब हम इसमें चना का दाल को डाल देंगे। चना का दाल को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फास्ट आंच में। अब उसके बाद हमने ये जो काकड़ी काट के रखे हैं, ये जो खीरा बोलते हैं, इसको हम अभी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आँच को स्लो कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास स्टैंड नहीं है, इसके लिए हमको एक हाथ से मोबाइल को पकड़ के बनाने पड़ता है। जब पैसे आएंगे मेरे पास तो मैं एक स्टैंड लेकर आऊँगी, तो आप मेरा फेस भी देख पाएंगे और क्लियर देख पाएंगे। हिलेगा नहीं कैमरा, अभी तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए एकदम स्लो आंच में छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए।
देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है, हमने इसको एक बार बीच में चला लिए थे, नहीं तो फिर वो जल जाएगा। ये देखिए किस तरह से हो गया है, देखिए ये देखिए। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, आंच को फास कर देंगे और पानी डाल देंगे। अपने हिसाब से, अपने अंदाज से डालना है पानी। एक खीरा है, इसमें से तो अपने से ही खुद से ही पानी छोड़ेगा, और इसको हम गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे तो टेस्ट इसका अच्छा होगा। ये देखिए, आप अपने हिसाब से पानी डालिए, मैं अपने हिसाब से डाली, मुझे गाढ़ा गाढ़ा रखना है, काकड़ी में पानी वो भी छोड़ेगा। अब इसमें हम जो कोथमीर काट के रखे थे वो कोथमीर को डाल देंगे। और ये जो नींबू था, ये नींबू का रस थोड़ा इसमें हम डाल देंगे, अपने हिसाब से आप डालना, मैं अपने हिसाब से डाली हूँ। और जो मिर्ची रखे थे चीरी लगा के, ये मिर्ची को भी इसके अंदर ऊपर से डाल देंगे हम। ये सब इसको हम डाल दिए। अब ये उबाल आने लगा है, अब हम इसको, ये देखिए ये उबाल आने लगा है, अब हम इसको मीडियम आंच में 5 मिनट तक पकने देंगे, मीडियम आंच पे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा सालन बना या नहीं बना। देखिए ये देखिए, सालन हमारा पूरा बन चुका है। ये देखिए कितना अच्छा से वो पक रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं गला या नहीं गला, काकड़ी गला या नहीं गला, वो हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है, गरम बहुत है। ये देखिए गल चुका है काकड़ी, और देखिए हमने गाढ़ा गाढ़ा रखे हैं। ये देखिए, इसको आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। आप इसको बनाइए, ट्राई करिए काकड़ी की सालन। पता नहीं आप लोग में से किसने खाया या नहीं खाया, मुझे कमेंट करिए किसने किसने काकड़ी के सालन खाया। काकड़ी यानी खीरा, यानी कोई सासा भी बोलता है बंगाली में, तो आप इस तरह से बनाइए और टेस्ट करिए, कमेंट करिए। आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, और ख़राब लगे तो भी कमेंट करिए, मुझे पता तो चले आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसा लगा। लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत टेस्टी बना है, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, और आप लोग एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ज़रूर आप इस तरह से बनाइए, ज़्यादा खर्चा नहीं है बनाने में, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, और मेरे रेसिपी को आप लोग बना के ज़रूर टेस्ट करिए।